6 N1 स्क्रू ड्राइवर, 6 N1 इसको इसलिए कहते हैं, 2 पीसेज ये हो गए, 2 पीसेज ये हो गए, 4, 1 पीस ये और 1 पीस ये नट्स खोलने के लिए हैं, टोटल 6 हो गए। इसमें ये जो है तकरीबन 6 mm है फ्लैट में, इसको करीब से चेक कर लें, 2 इसमें फ्लैट के आते हैं, एक स्मॉल और 2 स्मॉल फ्लैट के हैं और 2 फिलिप्स। बड़े वाले को चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन 6 mm है, इसका फ्लैट वो भी 6 mm है, इसका फिलिप्स स्मॉल का ये 4 और इसका फ्लैट भी मेरे हाथ से 4 ही होगा। और तक ही है, और इसके जो ये नट का साइज़ है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्नियर नहीं है, एंटर हो सकता हूँ। तो जो नट इसमें हम टाइट करेंगे वो 8 mm का नट होना चाहिए, इस तरह हेक्सागन होगा, और इसके जो अपोजिट में दूसरा स्मॉल नट फिक्स होगा वो होगा 6 का नट इसमें फिक्स करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस तरह डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 6 N1 इसलिए कहते हैं। इसकी ओवरऑल लेंथ चेक कर लेते हैं, सबको एंटर कर देता हूँ, और इसमें ये आई भी लगी हुई है जो होल्डिंग का काम करती है। ओवरऑल इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर की है तकरीबन 7 इंचेस आ रही है, इसमें भी 7 ही आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पे इशारा है इस चीज़ को फिट करने के लिए, प्रेस करेंगे तो आई अंदर जाके फिट हो जाती है, तकरीबन 7 इंचेज इसकी लेंथ हो गई है।